हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं नारियल की चटनी की रेसिपी। वैसे नारियल की चटनी को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जो रेसिपी हमने यूज़ की है ये सबसे इजीएस्ट वे है बनाने का, क्योंकि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और ये बहुत इजीली अवेलेबल भी होते हैं जो भी चीज़ें हमने यूज़ की हैं। तो सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये हमने लिया है आधा फ्रेश नारियल जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। उसके साथ हमने ली है एक कटोरी दही। ये दही के हिसाब से हम इसमें बाद में पानी डालेंगे, क्योंकि कभी कभी दही गाढ़ी होती है, कभी कभी पतली होती है, हमें पता नहीं लगता, तो इसलिए हमने पानी रख लिया है बाद में कंसिस्टेंसी को देख के ऐड करने के लिए। साथ ही हमने लिया है इसमें नमक और हरी मिर्च। ये दो हरी मिर्च है और एक छोटा चम्मच नमक है, ये देखिए चम्मच। और सबसे बड़ी बात, ये हमने लिया है सेंधा नमक, हमने टाटा सॉल्ट नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम सेंधा नमक यूज करते हैं तो हम इस चटनी को व्रत में भी खा सकते हैं, बट अगर आप नॉर्मली भी बनाना चाहें तो आप सिंपल सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। और ये चीज का ध्यान रखिएगा कि जो नमक सेंधा नमक होता है वो नॉर्मल नमक से हल्का सा ज्यादा डलता है क्वांटिटी में, बिकॉज ये रॉक सॉल्ट होता है। और हमने चटनी के तड़के के लिए लिया है सरसों, कड़ी पत्ता और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल। ये हमारी आधा चम्मच है सरसों, और ये तड़का हम बाद में बना के डालेंगे चटनी में। पहले हम अपनी सिर्फ नारियल, दही, नमक और हरी मिर्च को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमने नारियल ऑलरेडी डाल दिया है, बस मैं साथ ही दही डाल रही हूँ। इसमें ये सारा नमक और हरी मिर्च डालने वाले हैं हम। अब इस चटनी को हमने 10 से 15 सेकंड घुमाने के बाद एक बार खोल के चेक किया कि कंसिस्टेंसी क्या है, तो ये हमें काफी गाढ़ी लग रही है, तो हम इसमें पानी डाल के फिर इसे पीसेंगे। अब ये देखिए, इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाला है मैंने, और इसे टाइटली बंद कर देंगे, उसके बाद इसे पीसेंगे। चलिए इसे दे। इसे कुछ देर ग्राइंड करने के बाद हम इसे खोल के दोबारा चेक कर रहे हैं, तो इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, पर हम इसे एक बार टेस्ट करके इसमें नमक और हरी मिर्च भी देखते हैं। अब हमने चटनी को टेस्ट किया तो हमें इसमें नमक हल्का सा कम लगा, तो हम इसमें इतना नमक और डाल रहे हैं, और फिर इसे 5-6 सेकंड दोबारा ग्राइंड करेंगे। कितना नमक डाला हमने? हमने इसमें 1/4 छोटा चम्मच नमक डाला है। ओके, चटनी हमारी बनने के बाद ऐसी दिख रही है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारी चटनी निकल चुकी है और कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। अब हम इसका तड़का बनाएंगे और उसके बाद हमारी चटनी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम अपना 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब इसमें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम साथ ही राई डाल देंगे। सॉरी, सरसों डाली हमने, ये राई नहीं है। राई थोड़ी बारीक वाली होती है और सरसों के दाने हल्के मोटे होते हैं, तो जैसे ही अब ये क्रैकल होगी हम इसमें गैस बंद करके उसके बाद कड़ी पत्ता डालेंगे, वरना इसके छींटे पड़ जाते हैं। अपने तड़के को चटनी में मिक्स कर देंगे डालने के बाद। हम इसे हल्का सा मिक्स कर देंगे और हमारी चटनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी इसके बाद। अगर आपको अपनी दही की खटास कम लगे और आपको चटनी के टेस्ट में खट्टापन कम लगे, तो आप इसमें 2-3 ड्रॉप्स लेमन की डाल सकते हैं, या क्वांटिटी के हिसाब से आपको जितना भी खट्टापन करना हो उस हिसाब से। देखिए, अब हमारी नारियल की चटनी बिल्कुल तैयार है। हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए और बताइए आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।